सुबह का समय हो चुका है और 75 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 7 आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही लंबा डे होने वाला है। तो एज़ अ इंडियन वुमन, एज़ अ इंडियन मदर, जो सबकी ड्यूटी होती है सुबह सुबह की, मैं उसमें लग चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड जी का लंच और उसमें मैं बना रही हूँ आज इडली और सांभर। ठीक है, इडली के लिए मैंने यूज़ किया MTR का इडली का बैटर और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुई, अभी जस्ट 5:30 या 6 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर जल्दी नाश्ता बना रही हूँ उनके लिए, प्लस उनका लंच बॉक्स भी मुझे पैक करना है क्योंकि आज राम स्कूल नहीं जा रहा है तो मुझे इसलिए जल्दी लंच देना है। अगर राम स्कूल जाता है तो मैं जब उसे छोड़ने जाती हूँ तभी उस समय लंच ले जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। एंड मैं यहाँ पर अपनी चाय गर्म कर रही हूँ, पता छन्नी हटाना भूली गई, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी निकाल लिया है। सी तो मैं इडली एंड चटनी को बहुत पसंद है, ये चटनी वो बोलते हैं तुमने इसको कैसे बनाया, मैं उन्हें कभी बताती नहीं हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं फूड लवर बहुत हूँ, बट मुझे वो खाना बनाना बहुत पसंद है जो झटपट बनने वाला हो। करती हूँ मैं मूंगफली को हल्का सा तवे में रोस्ट कर लेती हूँ, नो ऑयल नो घी नथिंग, जस्ट आपको सिंपली उसको रोस्ट करना है बिकॉज मूंगफली में ना नेचुरल ऑयल होता है। और फिर मैं मिक्सर ग्राइंडर में मूंगफली के दाने, लहसुन थोड़ी सी तीखी में बनाती हूँ, तो मिर्च, धनिया, पुदीने के पत्ते अगर है आपके पास, नहीं है तो आप इग्नोर कर दें, और अगर आपके पास लेमन है या दही है आप उसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसी को बस ऐसे ग्राइंड कर दें, एंड बहुत ज़्यादा आपको ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, और फिर इस चटनी को आप सर्व करिए, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चाय के साथ में ये अपना नाश्ता करूंगी। आज राम की छुट्टी है, राम जो है आज स्कूल नहीं गए होंगे क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी वो सो रहे हैं वहां पर। ठीक है राइट गाइस, तो अभी मैंने नहा लिया है, पूजा अभी मेरी बाकी है और आपको मैं अभी की भसड़ दिखा, ये देखिए ये भसड़ देखिए आप, अभी मैंने ये अलमीरा सेट की हुई है, यहाँ पर इतना कबाड़ भर के रखा हुआ था, इतना ज्यादा, अरे तुम चुप रहो, इतने इसके कलर्स ऐसे पड़े हुए थे। तो ये रहे राम भैया, ये हेल्प कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम खराब करने वाला काम रहता है इनका, कि भैया थोड़ा सा काम हम करवा लो यार, क्या करना है क्या करना है, यही है तुम अपनी, तुम्हारी इतने खराब तरीके से अपने कलर तुमने रखे हुए हैं, इनको शार्प करो, बैठो आओ चलो शार्प कर दो, मैं रखे दे रहा हूं। अच्छा अभी तो बड़े उससे बोल रहे थे कि मैं हेल्प करा रहा हूँ, इधर देखो तुम। आप लोगों को सच सच बताऊं, जब राम घर पे नहीं होता है ना तो मेरा काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो घर पे होता है मेरे को जहाँ 12 बजता है वहाँ जाकर के 1:30 से 2 बज जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चीज़ें फैला देता है ना कि उसको समेटने में ही आधा ज़्यादा समय निकल जाता है। और आज मैंने फाइनली अपनी स्टडी टेबल जो, अभी ये इनके पेंसिल इरेजर को भी शार्प करके मुझे एक दिन पहले ही रखना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट डे इनका एग्जाम होता है, फिर सुबह सुबह कुछ नहीं मिलता। ये तुमने क्या किया इसके मुँह का, मिक्की माउस के मुंह का? ये मैंने नहीं किया, ये पहले से ही था, पहले से नहीं था, पहले से एकदम सही था। ये इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदते हम तुम्हारे लिए और तुम दशा बिगाड़ देते हो, पहले बताओ ये किया किसने, तुमने किया या किसी और ने किया? ये मैंने किया। क्यों, किस खुशी में? पहले जब ये मेरे लिए न्यू आया था हाँ, तो फिर मैं खोल पाता था ना, इसलिए मैंने यही कर दिया था। अच्छा, तो तुमने मारे गुस्से के उसका मुँह पूरा वो कर दिया, खनोच दिया है, खनोच दिया पूरा मुंह। तो अभी जब मैं उस अलमीरा को सेट कर रही थी तो मुझे ये एक बुक मिली, पढ़नी चाहिए फ्री टाइम में, फोन वगैरह से इग्नोर होकर के आप ये सब चीजें पढ़ें तो ये आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक मैंने अभी अभी गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके मैं पढ़ती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। गीता पढ़ना मतलब ये नहीं कि बांच दिया, जैसे होता है ना किताबें बांच देते, तो बांचना नहीं है हमको, हमको पढ़ना है और अर्थ समझना, और गीता को समझना थोड़ा मुश्किल। किचन की आप लोग जरा हालत देखो, ये सब कांड राम का किया हुआ है। एक तो ऑलरेडी इतना मेरे को काम रहता है ना, ऊपर से ये लड़का जो है सिर्फ उसे काम बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। आप देखिए किचन की इसने क्या हालत की है। यहाँ ब्रेड, बेटा इडली ले लो जा करके, मैंने परस दिया है, बस आप जाके उठा लेना। लेकिन इस बंदे ने ये जो आपको इतना स्वीट दिख रहा है, ये जो है इसने जो है पूरा वहां गंदा कर दिया और आप यहाँ आराम से बैठ के इडली खा रहा है। अच्छा, एक्टिंग देख रहे हैं आप लोग इनकी, इनकी एक्टिंग देखिए आप। अरे हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते थे, अभी मैं कल ये मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर के आई हूँ। सो ये है ब्रेड, अब ये नॉर्मल ब्रेड और इस ब्रेड में क्या अंतर है भाई, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता है, मुझे तो सब ढकोसले लगते हैं फालतू के, पर मैं इसको टेस्ट करूंगी अभी। देखें आप, देखो कितनी ज्यादा रीग्रोथ हो गई है मेरी,
और यहाँ से नेल पेंट हट भी गई है, बहुत गंदे हो गए ये नेल्स, मुझे ये सब हटवाना है। इस वाले हैंड के तो मैंने किसी तरीके से निकाल दिए सारे नेल्स, लेकिन इसके मुझे हटवाने हैं। ठीक है, लंच करने के बाद मैं रेडी होकर के निकल जाऊंगी सलोन। जैसे ही सचिन आ जाएंगे वैसे मैं सलोन चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां का भी आज काफी सारे मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, बिकॉज मेरे यहाँ पे चल रही है नवरात्रे की ऑफर्स स्किन ब्यूटी एंड हेयर में, तो काफी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज के उन ऑफर्स के, तो बस मैं जल्दी जल्दी अब लंच करती हूँ एंड देन हम लोग। ऑलराइट गाइज, तो अभी जस्ट मैं आई हूँ सलोन से एंड मैंने बहुत सारे मेरे पार्सल पड़े हुए थे ज्वेलरी से नॉल के, बिकॉज आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, अपने सारे इस वाले बॉक्स में हमेशा ही रखती हूँ। तो मैंने कौन कौन सी ज्वेलरी ऑर्डर की है वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये स्टड्स का पूरा सेट मंगाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्टड्स का मैंने सेट मंगाया हुआ है एंड इसमें आप देखो काफी सारे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स का सेट है ये, स्पेशली ये आपको यू नो हुप्स टाइप में इसमें ज्यादातर दिए हुए हैं, टॉप्स टाइप के हैं, दीज आर ऑल्सो छोटू वाले हुप्स, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे काफी लॉन्ग इयररिंग्स पसंद है डेली यूजर्स में, एंड इसमें आप देखोगे ना तो छोटे छोटे इस तरीके से स्टड्स भी दिए हुए हैं, बहुत सुंदर जाता है लाइक इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के अकॉर्डिंगली इसमें काफी सारे हैं, तो आप ले सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगी इन सभी प्रोडक्ट्स का यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इनकेस किसी भी ज्वेलरी को लेने में इंटरेस्टेड है तो एक बार आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड जो है वो मैंने इयररिंग एंड नेकलेस दोनों का सेट मंगाया हुआ है, तो वो भी मैंने अगेन पर्ल में ऑर्डर किया हुआ है के इयररिंग्स है। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ पहन सकते हैं, चाहे तो आप सिंगल सिर्फ इयररिंग्स पहने एंड इसको इग्नोर करें, या सिर्फ आप इसको पहने और इसको आप हटा सकते हैं, जैसे भी आप चाहे पैरअप कर सकते हैं। ये इसमें आप देखो इसका जो ये मोती है ना काफी मोटा है एंड आई रियली लाइक दिस ब्यूटिफुल सेट, एंड ये आप साड़ी में वेस्टर्न आउटफिट्स में किसी में भी डाल सकते हो, एंड ये मोती जो होते हैं ना स्टड्स स्पेशली जो ये वाले इयररिंग्स है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्लिप्स, ओके, सो दीज आर ब्यूटिफुल क्लिप्स विच आई परचेज फ्रॉम अमेजोन, एंड जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो शूट के टाइम पे ना ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, या फिर अगर आपको बाल ओपन करने का शौक है तो आप जस्ट इसको यहाँ पर टक करके एंड ये क्लिप्स लगाओगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। देन चूंकि गरबा आने वाला है तो मैंने कुछ बहुत ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ऑर्डर की है, सो आई जस्ट गॉट दिस ब्यूटिफुल ब्रेसलेट एंड दिस इज वेरी 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 ब्यूटिफुल, आई रियली लव्ड इट, एंड इसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे नगों का भी काम दिया हुआ है, घुंघरू इसमें लटके हुए हैं एंड आई रियली 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 लाइक इट। ही ऑप्शन लिया हुआ है इयररिंग्स का, सो दीज आर माई ब्यूटिफुल ऑक्सीडाइज इयररिंग्स विच लुक्स टू ग्रेट ऑन मी इन एनी सॉर्ट ऑफ इंडियन आउटफिट, एंड ये बहुत ही सुंदर लगे मुझको एंड ये काफ़ी हैवी भी हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि अगर ये अफोर्डेबल में है, एंड बाई द वे दीज ऑल द ज्वेलरीज आर वेरी अफोर्डेबल प्राइसेज, आई थिंक इट्स जस्ट अंडर 150 और 200, तो ये वाले इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यू कैन डेफिनेटली बाय दैट, एंड इसके ये जो क्वालिटी है, इसकी जो फिनिश है, इसकी जो कारीगरी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो गाइज, ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, इन सभी प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस अगर आप किसी भी ज्वेलरी को लेने में इंटरेस्टेड है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, और अब मैं जा रही हूँ देखने काम क्या क्या मेरा पेंडिंग। किचन पहुँचते ही मुझे इतनी तेज गुस्सा आई ना अपने इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड और बेटे के ऊपर, क्योंकि जब मैं गई थी तो पूरा किचन सेट करके गई थी, पर जब मैं लौट के आई ना तो इतनी गंदगी देख करके ना मेरा तो इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया था कि मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर गई और मैंने बात करना भी उनसे बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पहले राम को भेजा मुझे मनाने के लिए, और जब मैं उससे नहीं मानी तो वो फिर खुद मनाने आए थे, पर वो क्लिप मैंने शूट नहीं की। ठीक है, यहाँ देखिए, राम को उन्होंने भेजा है, जब राम से मैं नहीं मानी वो फिर खुद आए थे। मैं जल्दी जल्दी गुस्से की वजह से ना मैंने चेंज किया ना कुछ, मैं सीधे काम पर लग गई और उसके बाद हस्बैंड जी ने मुझे फाइनली मना ही दिया। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं है भाई घर में, रूखा सूखा 3-4 दिन से हम लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं किसी तरीके से, जोड़ जाड़ के किसी तरह टेम्परेरी कर रही हूँ। तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करवाई हो, ब्लॉग में बिल्कुल भी आते नहीं हो। अरे टाइम ही नहीं है, इस समय एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। गाइस, अभी तक मैं 6 ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, आपने इनको बहुत कम देखा होगा ब्लॉग में, और सच बता रही हूँ, ये पिछले 1.5 साल से मेरे पड़े थे कि ब्लॉग करो, और देखो खुद आगे बढ़ गए। देखा ना, तो ये बंदा कभी कैमरा हाथ में पकड़ेगा ना, ये बंदा कभी भी वीडियोस में आएगा। मैंने टी शर्ट उल्टी पहनी है क्या सचिन? देखो पीछे और राम उल्टी टी शर्ट पहनी हुई हूँ। तो मुझे ये बता, तुम्हारे हाथ
हर एक लोअर में पैसे कैसे निकल आते हैं? अभी इसके लोअर में से 70 रुपए निकले, ये बताओ। बड़े होंगे। है? मैं इनके जब भी कपड़े पे जानबूझ के कपड़े पहनती हूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाए। गाइस देखो 70 रुपए मिले मेरे को, है तुम्हारे सारे पैसे मैं ऐसे मार देती। 500 के भी नोट मिले मुझे कई बार। पति के जेब से पैसे मारने का मजा ही कुछ और। भाई हम लोग ना रात में ही सब्जी लेने निकल पाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं, और हम लोग एक्चुअल मैं बताऊं हम लोग सीधे शाम में ही मिलते हैं 7:30-8 बजे के बाद। पूरा दिन ना तो मैं उनकी शक्ल देख पाती हूँ ना वो मेरी। बहुत रेयरली होता है कि हम लोग दोपहर एक साथ देख पाए या शाम एक साथ देख पाए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे, मैं अपनी ड्यूटी पे। हाँ आधा किलो ये भिंडी तो है, बस ये है और ये दे दीजिए। है ना राम भैया? भिंडी की सब्जी बनाना। पापा कहाँ रह गए? उधर रह गए। उधर रह गए, उधर रह गए। यहाँ डाल दिया यहाँ। तो मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी कभी भी आपके हस्बैंड से आपको कुछ बाहर खाने का मन करे ना, आप उनसे गुस्सा हो जाओ, किसी भी छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाओ, वो आपको मनाएंगे। और मनाने के लिए ये शर्त रखो कि पहले मेरे को बाहर खाने के लिए लेके जाओ, है ना भाई? क्या बोलते हो, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो, करना चाहिए ऐसे? जितने हथियार यूज कर सकती हो कर लो। हाँ ऐसा करना चाहिए भाई, सारे पतियों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है? और सारी पत्नियों को भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपसे गुस्सा है तो आप समझ जाइए उसका बाहर खाने का मन है ना। हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी बगल में वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले गए मिठाई लेने के लिए, उसके बाद हम गए सुपरमार्केट सामान लेने, और हम अब घर आ चुके हैं। हमने किया है डिनर, डिनर के बाद मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ, और बस इसके बाद इस व्लॉग का मुझे एंड करना है। रात का इस समय 11 बज रहा था गाइज़।